अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगे मेरे कंपाउंड में, या जो भी स्ट्रक्चर है कैसे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहला हैलोजन है ना, तो हम एक एक करके पूरा एग्जांपल समझेंगे सबके जितने भी हो सकते हैं। तो तुम लोग ऐसे हैलोजन हेडिंग डालना और उसके नीचे सारे कंपाउंड्स लिखना, ठीक। तो सबसे पहले तुम्हारे पास है, हमसे हमारा सबसे पहली बात क्या है, मीथेन है, ठीक। अब ये तुम्हारे पास मीथेन है, ठीक, तुम्हें पता है CH4 है। अब मीथेन का भी नाम तुम समझ सकते हो कि कैसे आया होगा, कि मीथेन में मिथ का कार्बन एक होगा, मैं लिखा था ना मिथ इथ प्रॉप, वो तुम्हें याद हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है, पहली क्लास है तो तुम्हें लग रहा होगा हार्ड, ठीक। तो दिन भर क्वेश्चन करोगे, इतने क्वेश्चन मैं दे दूंगा तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। मिथ हो गया और देन एन है, यानी कि ये एल्केन है, तो एल्केन के लिए फॉर्मूला CnH2n+2, तो C1 हो गया, तो H हो जाएगा 2 × 1 + 2, n की वैल्यू तो 1 है, तो CH2 + 2 = 4, तो इसीलिए इसको मीथेन कहते थे। और एक और तुमने चीज पढ़ी इथेन, अब इथेन में भी एल्केन है और इसमें कार्बन 2, तो एल्केन 2 × 2 + 2, तो C2H4 + 2 C2H6। सेम हमारे पास प्रोपेन था, प्रोप में कार्बन 3 H8 हो जाएगा, तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो CnH2n+2 एल्केन का, अगर स्ट्रक्चर में मेहनत की होगी तो यहाँ पे तो बिल्कुल बटर की तरह तुम चल रहे होगे, ठीक। ये तो पुरानी बात थी, सारे हाइड्रोकार्बन दोबारा आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं हैलोजन की, ठीक। तो हैलोजन में हम देखें तो कार्बन के पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी हैलोजन से, हैलोजन जब मैंने वर्ड बोल दिया तो उसमें क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन ये चारों आ गए, है ना, तो अगर चारों आ गए तो मान लो तुम्हारा यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो। ध्यान रखने की बात क्या है कि यहां पर प्रीफिक्स में यूज होंगे ये चारों फ्लोरो आयडो, है ना। हैलोजन अकेले ऐसे हैं जिनको हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले इनका नाम आता है, मतलब क्लोरो मीथेन, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन तुम्हारा क्या हो गया, नाम हो गया इसका। अब हम इसे मीथेन क्लोरो नहीं लिख सकते, अगर मैंने लिख दिया मीथेन क्लोरो तो ये नाम गलत हो गया। IUPAC के अकॉर्डिंग जो हेलोजन ग्रुप है उनका हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं और देन मीथेन लिखते हैं, ठीक। तो क्लोरोमीथेन वर्ड इसका नाम सही है, सिर्फ हेलोजन को ही तुम इसका पहले लिखोगे, बाकी सब में तुम देखोगे टेबल में सफिक्स यूज होते हैं, इन एल्काइन वाइन या एल्केन में भी तुमने देखा हम सफिक्स लिखते हैं, लेकिन अगर मेरे पास हेलोजन ग्रुप है तो हम नाइट करेंगे उसमें प्रीफिक्स, ठीक, तो पहले नाम लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखो कि अगर मैंने 2 कार्बन थे मेरे पास, अब यहां ब्रोमीन लग गया, ठीक, तो पहली बात तुमने ब्रोमीन देखा तो तुम इसे लिखोगे ब्रोमो, है ना। अब जब ब्रोमो लिख ही दिया तुमने, देन तुमने देखा कि कार्बन 2 थे, तो कार्बन 2 है तो इथ आ गया, ठीक। अब इथ आने के बाद तुमने एक और चीज देखी कि यहां पर हाइड्रोजन जो तुम्हारे हैं, या अगर यहाँ BR नहीं होता यहाँ H होता, है ना, अगर H होता तो ये चीज क्या है तुम्हारी इथेन, है ना, C2H6 फॉर्मूला अब तक तो पता चल गया होगा, ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इथेन रहा होगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में BR ही है, तो ब्रोमो इथेन तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसके 50वें एग्जाम्पल ले सकता हूँ कैसे, 3C3H7I, तो ये क्या हो जाएगा आइडो प्रोपेन, ठीक, या फिर C4H कितना हो जाएगा 10, यानी कि C4H9Br, तो ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक। ब्यूट किससे आया, जो नाम लिखा है उसको सोचो,
पहली बात मैंने बताई कि अगर हेलोजन ग्रुप है तुम्हारे पास, तो हेलोजन ग्रुप का जो है हम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले आएगा नाम के, तो ब्रोमो हो गया। देन हमारे पास कार्बन कितने हैं, चार, तो मैंने कार्बन में बताया कि कार्बन चार है तो ब्यूट हो जाएगा, यानी कि ब्यूट आ गया। और तुम्हारे पास C4H9 में तुम देखोगे तो यहाँ पर 4 का डबल करो तो 8 है, 8 होता है, 8 से ज्यादा, यानी कि ये क्या होगा, एन, यानी कि एल्केन। तो ब्रोमो ब्यूटेन पूरा नाम हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम करके देख सकते हैं, 500 इतना सा। हाँ, तो एल्कोहल्स की बात करें तो ध्यान क्या रखना कि अगर हेलोजन है तुम्हारे पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, तो उसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे, मतलब पहले आएगा क्लोरोमीथेन ब्रोमोइथेन या क्लोरोप्रोपेन फ्लोरोप्रोपेन, जो भी चीज़, तो सबसे पहले नाम आएगा उसका हमारा फंक्शनल ग्रुप का, बाद में तुम्हारा क्या आएगा जो चेन है, लेकिन बाकी सारे जो हैं उनमें सबसे लास्ट में यूज होता है ना। जैसे एल्कीन देखा तो ईन लास्ट में आएगा, एल्काइन तुमने देख लिया, तो ये दोनों चीज़ तुम्हें समझ में आती है। अब इनको समझना है, अगर एल्कोहल्स है तो उसका तुमने फंक्शनल ग्रुप देखा था OH। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है मीथेन और इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH से, क्योंकि एल्कोहल का ग्रुप क्या है OH, तो तुम हेडिंग डालना एल्कोहल, सफिक्स लिखना OL, और जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसे नोट करना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया। अब इसमें तुम देखो कि कार्बन है एक, तो मिथ तो आएगा ही, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मीथेन, है ना। अगर ये CH4 होता, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो हाइड्रोजन तीन हो गए और OH आ गया, ठीक। तो हमें लिखना कैसे है, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, हेडिंग एल्कोहल डालना, सफिक्स OL, ग्रुप OH, और फिर एग्जाम्पल लिखना, ठीक। इसमें लिखने का तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास एन है, ईन हो या आयन हो, ठीक, उसमें हम क्या करते हैं प्लस OL लिखते हैं और माइनस ई करते हैं, ठीक। ये बहुत ही क्रक्स है, मतलब मेन चीज है कि जो लास्ट का वर्ड है उसे हटा के हम इसमें OL लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ANOL, ENOL, YNOL, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक। तो मीथेन तुम्हारा था, अब मैंने बोला इसका सफिक्स होगा OL, है ना, यानी कि लास्ट में आएगा, तो उसे मैं मीथेन OL नहीं लिख दूंगा, ये गलत हो गया। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास एन इन वाइन है तो लास्ट वाली ई को हम हटाएंगे, माइनस का ई और प्लस का OL, तो ये हटाओगे तुम, ई हटा दोगे। मीथेन में वैसे तुम्हें पता है कि ई होगा, मीथेन METHANE, अब उस लास्ट वाले ई को हटा के जो सफिक्स है OL वो लगा दो, ठीक। तो तुमने बोला मीथेनॉल, ये हो गया। तो अब तुम्हें आसान कितना रहा जानना, अगर मैंने तुमसे बोला कि CH4 है, ठीक, अब CH4 तुम तुरंत जान जाओगे, मीथेन ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझ लिया, तो तुम्हें एक तरह से रट गया या जो भी तुमने कर लिया, मेमोराइज कर लिया। अब अगर मैंने तुमसे बोला कि इसको मैं बोल सकता हूँ CH, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो CH4O बोल दूँ, तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये क्या दे दिया, कि मीथेन में ऑक्सीजन कैसे जुड़ जाएगा, कार्बन तो पहले से ही चार हाइड्रोजन से जब जुड़ चुका है तो ऑक्सीजन से कैसे जुड़ेगा, है ना। तो जो मीथेनॉल नाम है उससे नाम को जानना आसान हो जाता है, क्योंकि मीथेनॉल बोला तो तुम समझ जाओगे कि एक कार्बन होगा, ऑल एन है यानी कि CH4 रहा होगा, और अगर OL आ गया तो एक हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप होगा, ठीक। इतनी सारी बात समझ में आ रही है कि मिथेनॉल होगा तो यहाँ पे एक कार्बन है और OH ग्रुप अटैच्ड होगा, और एल्केन है तुम्हारा ये क्योंकि CH4 था। और एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि अगर मैं लेता हूँ, अब तुमसे मैंने बोला इथेनॉल, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अब उल्टा समझ रहे हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर से नाम रखा, अब देखते हैं कि इथेनॉल है, ठीक। ध्यान क्या चीज रखनी है, प्लस का OL होगा, माइनस E होगा, ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है तुम्हें। ये एकदम क्रक्स है एक तरह से अल्कोहल के नेमिंग का, कि जो लास्ट में E है उसे हटा दो, एकदम बेसिक चीज है, या एक मेन चीज है इसके नेमिंग में कि लास्ट का E हटाओ और OL लगा दो। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने तुमसे बोला कि इथेन का, इथेन में मैंने लगा दिया OH ग्रुप, तो तुम क्या बताओगे, इथेनॉल। देखो लास्ट में इसका ई था, ई हटा दिया मैंने और OH क्या लगाता है, OL, सफिक्स OL होता है, तो ये तुम्हारा इथेनॉल हो गया। अब इथेनॉल में इथ है तो दो कार्बन होंगे और एन है, देखो,
है ना AN, यानी कि ये रहा होगा इथेन, लेकिन अब ऑल आ गया तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH, जरूरी नहीं है यही हो, ये भी हो सकता है, ये भी कोई सा भी OH रिप्लेस, कोई भाई हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया इथेनॉल। ऐसी प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल तुम बना सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं ब्यूटेनॉल देखता हूँ, ठीक। तो साथ के साथ इन्हें नोट करते जाना, जो हेडिंग डाली है अल्कोहल की उसमें नोट नीचे करते जाना कि कैसे स्ट्रक्चर होगा। आप देखो ब्यूटेनॉल है, तुम खुद बना सकते हो, ब्यूट मतलब चार कार्बन ऐसे अटैच है, ठीक, ध्यान में रखनी है ब्यूटेनॉल है, एक्चुअल में ब्यूटेन होगा, लास्ट वाला ही तुमने हटाया और तुमने क्या करा एक OH ग्रुप लगा दिया और बाकी सबसे हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक। तो ब्यूटेनॉल की नेमिंग ये थी कि जितने तुम्हारे पास कार्बन है तुमने अटैच करे और लास्ट में जो है एक OH लगा दिया और हाइड्रोजन उससे अटैच कर दिए, ठीक। तो हैलोजन अल्कोहल हो गया, ध्यान में क्या रखनी है कि यहाँ पे देखो सफिक्स ऐड कर रहे हैं, वहां पे पहले लिख रहे थे क्रोमो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो में, यहाँ सफिक्स यूज करेंगे, ठीक। ये सारी बात थी तुम्हारी अल्कोहल की, जो OL लग रहा था ई को हटा के, ठीक। अब हेडिंग डालो एल्डिहाइड को, ठीक। तो एल्डिहाइड हम देखें तो एल्डिहाइड में देखो सफिक्स लगेगा AL, AL, ठीक है, AL स्टार्टिंग का अल्कोहल, एल्डिहाइड का AL, अल्कोहल का लास्ट का OL, इससे आसान हो जाता है समझने के लिए। अब सफिक्स तुम्हारा AL है तो अगर मैं CH4 था स्टार्टिंग, CH4 से समझते हैं तो चार हाइड्रोजन लगे थे, ठीक। अब देखो यहां पे अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो तुमने अगर CHO ग्रुप लगाया यहां पे, है ना, या फिर सिंपल समझ लो ऐसे हो जाता। अब ये तुम्हारा ग्रुप क्या हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप अगर हो गया तुम्हारा, हो मिथेनल, क्योंकि मीथेन तो था ही और तुमने देख लिया है एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है ना। तो ये तुमने ध्यान देखी कि इसमें सफिक्स AL आएगा, ऐसी तुम्हारा प्रोपेनल हो सकता है जिसमें तीन कार्बन हो, ठीक। आगे देख, हाँ, तो प्रोपेनॉल का अगर मैं सॉरी प्रोपेनल का एग्जांपल लूं, देखो AL है यहाँ पे तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा लास्ट वाले कार्बन के पास, तो 3 डबल बॉन्ड हो H इससे, अब देखो इसके चार बॉन्ड बन चुके हैं तो H तो अटैच होगा नहीं, इस पे 2 अटैच कर दो और इस पे 3 अटैच कर दो, तो ये तुम्हारा ग्रुप हो गया प्रोपेनल। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, ध्यान से समझो, ठीक, एक एक स्ट्रक्चर देखो, खुद बना के देखो तो आसानी रहेगी तुम्हें, ठीक। हम ठीक, अब देन है हमारे पास कीटो, तो क्या चीज में इसमें क्या ध्यान रखनी थी, एल्डिहाइड में प्लस AL हो रहा है माइनस E हो रहा है, देखो मिथेनल था ना लास्ट का E हटके प्लस AL माइनस E हो गया, तो ये चीज लिख लो, ठीक। अब हम देखते हैं अगर मेरे पास कीटोन ग्रुप है, ठीक, देखो सफिक्स ओन है इसका, है ना, लास्ट वाले ओन से आया है ना, तो सफिक्स मतलब लास्ट में इसमें भी यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, सॉरी क्या, देखो ध्यान क्या रखनी है तुम्हें बात कि ये तो तुम्हारा एल्डिहाइड का हो गया, इसमें सफिक्स होगा ओन, ठीक, तो ऑन होगा तो इसमें जो कार्बन है उसके पास दो कार्बन अटैच होने चाहिए, है ना, ये तुम्हारा जो है इसका फंक्शनल ग्रुप था अभी पिछले पीछे टेबल बनाई थी, तो इसके लिए जरूरी है कि इसके आगे पीछे कार्बन लगे हों, है ना, तो जो सबसे छोटा कीटोन एक्सिस्ट कर सकता है वो क्या होगा प्रोपेनॉन, है ना, क्योंकि आगे पीछे इसको कार्बन चाहिए, इस फंक्शनल ग्रुप को देखे हो तुम, ठीक। तो यहाँ पे CH3 CH3, तो ये तुम्हारा प्रोपेनॉन हो गया, कैसे हुआ, ओन तुम्हारा आ गया डबल बॉन्ड, एन तुम्हारा हो गया ये, और प्रोप माने तीन कार्बन की चेन थी, तो इसमें क्या बात समझी हमने कि प्लस ऑन होगा और माइनस ई होगा, ठीक, कि जो भी नाम है मेरा ऐसे मीथेन था, मीथेन तो वैसे हो नहीं सकता प्रोपेनॉन में, हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक, टेंशन मत लो, तो ये हो गया प्रोपेनॉन, है ना, तो कीटोन का ये था। अब जो लास्ट में है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनॉन हो गया, ऐसी ब्यूटेनॉन हो सकता है, ब्यूटेनॉन में क्या होगा चार कार्बन की चेन होगी और एक कार्बन में क्या होगा
डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा इसी बीच वाले कार्बन पे आगे पीछे। फॉर एग्जाम्पल देख ही लो ताकि तुम्हें आसानी बन रहे, मैं अगर इतने सारे क्वेश्चन दे दूं तो तुम कर सको। चार कार्बन डबल बॉन्ड ओ, H3 H2 H3, देखो ये क्या हो गया, बीटेनोन, कार्बन चार हो गए। ठीक, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीज ध्यान में रख लेना जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीजें तुम भूलने वाले हो, क्योंकि जब क्वेश्चन होगा तो तुम्हें ये चीजें नहीं देख के करनी, खुद करो, तब तक पहले तो समझो जो भी एग्जांपल दिए हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे आसान होता है, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हारे पास ओएक एसिड साफ दिख जाएगा, ना ओन है ना एल, ओएल ओएक एसिड लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड में क्या होगा, एच सी ओ ओ एच, देखो तो इसमें तुम देख रहे हो कि एक तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप भी है और साथ में कीटोन ग्रुप या जो भी एल्डिहाइड ग्रुप है साथ में आ रहा है, ठीक। तो अगर कभी सी डबल बॉन्ड और ओ एच साथ में है तो ये तुम्हारा होगा कार्बोक्सिलिक, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं बोला प्रोपेनोइक एसिड, तो देखो प्रोप यानी कि तीन कार्बन, स्ट्रक्चर बनाना समझा रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो स्ट्रक्चर को देख के नाम लिखना भी आ जाएगा, है ना। तो अगर तुम्हारे पास प्रोप है तो तीन कार्बन, एन है तो डबल बॉन्ड नहीं है, ओएक एसिड है, मतलब कि तुम्हारे पास जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड और ओएच ऐसे अटैच होगा, ए दो से जोड़ सकता है या तीन से, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओएच इसका स्ट्रक्चर हो गया। सेम यहाँ पे अगर इथेनोइक एसिड है, नाम देखो इथ यानी कि दो कार्बन और यहाँ पे हो गया सी, लास्ट वाले के साथ क्या होगा OH और O और CH3, तो CH3COH इथेनोइक एसिड हो गया, यही हमारा एसिडिक एसिड होता है, ठीक। अच्छा तो तुमने क्या बात देखी इसके क्रक्स में कि प्लस का ओएक एसिड लग जाएगा और माइनस का ई होगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में देखना कि ओएक एसिड लग जाएगा और ई हो जाएगा, और सफिक्स E9 हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये सारा फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग था, सबको एक एक हेडिंग लिखो, जो एग्जांपल बताए हैं उनके अंदर नीचे लिखते जाओ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चंस तो इन्हीं एग्जांपल्स में से आने वाले हैं, लेकिन अगर तुमने सारे प्रैक्टिस कर लिए हो तो क्वेश्चंस बिना देखे अटेम्प्ट करना, ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पता लग जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक, तो तुम्हें उनके सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, है ना, हम सीधा लिखेंगे उनके IUPAC, तो सारी चीज़ें लिखते जाना साथ साथ में, जो भी टेबल बनाई और एग्जाम्पल जितने भी दिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला प्रोपेनल, दूसरा पेंटेनॉल, हेक्सेनोइक एसिड, क्लोरोब्यूटेन, और कोई रह गया क्या, कीटोन रह गया और एल्डिहाइड भी रह गया। कीटोन में हम लिख लेते हैं पेंटेनॉन, है ना, ब्यूटेनॉन तो हमने बना लिया था, पेंटेनॉन और हेप्टेनल, ठीक। तो ये छह क्वेश्चन है, इनके स्ट्रक्चर बनाना, और NCERT में भी तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जांपल होंगे या क्वेश्चंस होंगे, उनको अटेम्प्ट करना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इन छह के स्ट्रक्चर बना के देखना, है ना। तो इस लेक्चर में हमने IUPAC डिस्कस करी और जो ये मैंने लिखे हैं स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स।